डालमिया भारत ग्रुप की शाखा डालमिया भारत फाउंडेशन अंतर्गत डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड स्किल हार्नेसिंग के 20 प्रशिक्षणार्थियों को तमिलनाडु के किटेक्स गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड में प्लेसमेंट मिलने पर डालमिया फाउंडेशन की ओर से राजगांगपुर में सम्मानित किया गया। इन प्रशिक्षणार्थियों ने 1,62,000 रुपये वार्षिक के वेतन पर प्लेसमेंट हासिल किया है। इन प्रशिक्षणार्थियों ने दीक्षा के राजगांगपुर और झारसुगुड़ा केंद्रों में औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर ट्रेड में 75 दिनों का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सम्मान समारोह में राजगांगपुर के BDO पीयूष लोहार, जिला रोजगार कार्यालय राहुल केला, श्री संतोष कुमार नंदा, राजगांगपुर डालमिया सीमेंट कारखाना के मुख्य लोकेश कुमार बाहेती, डालमिया लांजीर बेरना खदान के उप कार्यकारी निदेशक सरोज कुमार राउत उपस्थित थे। लोकेश कुमार बाहेती एवं सरोज कुमार राउत ने मौके पर सभी छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत समर्पण पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं सरोज कुमार राउत ने कहा कि कोरोना महामारी और उससे बुरी तरह प्रभावित नौकरी बाजार के हालात के बावजूद प्रशिक्षणार्थियों को मिली सफलता तारीफ के योग्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 500 से अधिक युवाओं ने नामांकन किया है। ओडिशा के राउरकेला, देवगढ़, कटक, जाजपुर और बारकोट में भी दीक्षा केंद्र है। इस कार्यक्रम का संचालन स्थानीय CSR मुख्य तपन नायक एवं दीक्षा प्रोग्राम के प्रबंधक दीपक सेनापति ने किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूले nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.